हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल आइडियाज़ नोटिफिकेशन चैनल में आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो 2022 में रिलीज हुई है और इसमें आपको जो है बैच जो मिलेगा जनवरी 2023 की बैच मिलेगी और इसमें अगर हम पोस्ट देखें तो एस ऑफिसर एंड वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है जो हम नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल है कि कुछ पोस्ट के लिए आपको सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है कुछ पोस्ट के लिए आपको मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल है और इसमें अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं पच्चीस फरवरी दो से इसमें ऑनलाइन आवेदन हो स्टार्ट हो जाएगी तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन पच्चीस फरवरी दो से कर सकते हैं तो आगे हम इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे सलेक्शन प्रोसेस एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाली है और एग्जाम किस पैटर्न पे होगा तो नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल कुछ

जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन जो है 25 फरवरी 2022 से इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मार्च 2022 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं इसमें आपको क्लियर की गई है कि एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम अनमेरिड एलिजिबल मेन एंड वोमेन कैंडिडेट टू ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर कोर्स कमसिंग जनवरी दो हज़ार तेईस एंड इंडियन नेवल अकेडमी इसमें आपको जो है अनमेरिड कैंडिडेट जो भी हैं इसमें अप्लाई करेंगे मेरिड कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म नहीं है पोस्ट जो यहाँ पे होने वाली है एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटल कोर्स के लिए जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव जीएस एंड हाइड्रोग्राफी सेकेंड जो आपकी होगी नवल ओरिएंटल कोर्स एन ओ सी रेगुलर न इसमें आपको दिया गया है नवल अर्मानेंट इंस्पेक्ट्रेट कैडर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफसर पायलट लॉजिस्टिक एजुकेशन टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ये सब पोस्ट आपको नवल ओरिएंटेशन में आएगा अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबलिटी कंडीशन है क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सर्विस इसमें आपको दिया गया है जनरल सर्विस हाइड्रो कैडेट के लिए तो बी ई बी टेक इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स अगर आप बी किए हैं या बी टेक किए हैं और सिक्सटी परसेंट मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे वैकेंसी जो इसमें रहेगी फोर्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है और डेट ऑफ बर्थ जो इसमें आपका होना चाहिए दो जनवरी उन्नीस सौ अंठानवे से एक जुलाई दो हज़ार तीन के बीच आपका जन्म होना चाहिए अब बात करें नवल परमानेंट इंस्पेक्ट्रेट कैडर की तो इसमें आपको बी ई बी टेक विथ मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स होना चाहिए जिसमें मैकेनिकल मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन ये सभी अगर आप किए हैं तो आप हम अप्लाई इसमें कर पाएंगे इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स कैंडिडेट है सिक्सटी परसेंट मार्क्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और सिक्सटी परसेंट मार्क्स है तो आप फॉर्म अपलाई कर पाएंगे एंड अगर आप टेंथ पास आउट है ट्वेल्थ पास आउट है और सिक्सटी परसेंट मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे पोस्ट जो इसमें है आपको सिक्स पोस्ट के लिए वैकेंसी है और मेन और वोमेन बोर्ड कैंडिडेट एलिजिबल है दो जु जनवरी उन्नीस सौ अंठानवे से एक जुलाई दो हजार तीन के बीच आपका जन्म होना चाहिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें तो बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स बीई किए हैं या बीटेक किए हैं सिक्सटी परसेंट मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे एंड टेंथ एंड ट्वेल्थ एंड मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स इंग्लिश इंग्लिश में आपका सिक्सटी परसेंट मार्क्स है तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इसमें टोटल पोस्ट छः है उसके बाद मेन वोमेन बोथ कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें भी आपको डेट दिया गया है दो जन दो उन्नीस से एक जन 2002 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए ऑब्जर्वर और पायलट ये दोनों के लिए भी सेम एलिजिबल कंडीशन है जिसमें पोस्ट की बात करें तो ऑब्जर्वर के एट है एंड पायलट की आपको बात करें तो फिफ्टीन पोस्ट है जिसमें सिर्फ मेन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो दो जन उन्नीस से एक जन 2004 और दो जन उन्नीस से एक जन 2004 दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है किसके बीच होनी चाहिए सेम प्रोसेस है उसके बाद इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अब लॉजिस्टिक की बात करें तो अगर आप बी ई किए हैं बीटेक किए हैं इन डिसिप्लिन डेसिप्लिन इन फर्स्ट क्लास इसमें आपको बी बी टेक मांगा जा रहा है आप फर्स्ट क्लास से पास किए हैं एम बी ए विद फर्स्ट क्लास से पास है या एम एस सी या बी एस सी बी कॉम बी एस सी आई टी विध फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पी जी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट और एम सी एम एस सी आई टी विध फर्स्ट क्लास से अगर पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे इसमें टोटल पोस्ट एटीन है जिसमें आप सिर्फ मेन कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे वुमेन कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए दो जैन उन्नीस सौ अंठानवे से एक जुलाई दो हज़ार तीन के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए अब एजुकेशन ब्रांच में हम देखेंगे सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन एमएससी मैथ ऑपरेंशियल रिसर्च विद फिज़िक्स इन बीएससी एस सी सिक्सटी परसेंट मार्क्स होनी चाहिए एमएससी में जिसमें सब्जेक्ट आपको मैथ या ऑपरेशनल रिसर्च होना चाहिए और बीएससी अगर आप किए हैं फिजिक्स से आपको अप्लाई कर पाएंगे टोटल पोस्ट फाइव है उसके बाद सिक्सटी मार्क्स इन एम फिजिक्स अप्लाई फ़िजिक्स विथ वि मैथ इन बी इसमें आपको फोर पोस्ट है इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा टेक्निकल ब्रांच की बात करें तो इसमें आपको इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए पोस्ट है जिसमें बी ई बी टेक सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किए हैं ऑटोमेशन किए हैं मरीन किए हैं इंस्ट्रूमेंसन किए हैं प्रोडक्शन किए हैं तो आप हमको अप्लाई कर पाएंगे जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं टोटल पोस्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए फिफ्टीन पोस्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस पोस्ट के लिए थर्टी पोस्ट है और इसमें आपको एज भी दिया गया है कि किसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए मर्चेंट नेवी में जो नेसेसरी चीज़ है है वो क्या है कि कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए कॉमर्शियल पायलट के लिए जो लाइसेंस होना चाहिए वो कैंडिडेट हैविंग वैलिड सी पी एल इशू बाई डी जी सी ए एंड बोर्न जो है आपकी दो जनवरी उन्नीस सौ अंठानवे से एक जनवरी दो हज़ार चार के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसके बाद आपको वैलिड सी पी एल इशू होना चाहिए जो कि आपका डी जी सी ए द्वारा मिला है एन सी सी के लिए जो नेसेसरी चीज़ है वो आपको दिया गया है कॉमर्शियल के लिए मर्चेंट नेवी के लिए क्या जरूरी चीज़ है नेसेसरी चीज़ है वो आपको दिया गया है वो यहाँ से फॉर्म भरते समय ज़रूर चेक कर लीजिएगा तो आप देखेंगे इसमें कि कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट अगर आप ग्रेजुएट किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं फाइनल ईयर में भी हैं तो अपेयरिंग में आप डाल के कर सकते हैं और सिक्सटी परसेंट मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट अपना अपेयरिंग के लिए अपेयरिंग है और वो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पूरी रिजल्ट जो है आई एन ए ज्वाइन करने से पहले आ जानी चाहिए अब देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है तो सॉर्टिंग ऑफ एप्लिकेशन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क इसमें आपको जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट बी ई बी टेक किए हैं और वो फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा तो उसमें अपेयरिंग के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर का जो आपको जो भी जानकारी होगा वो आप इसमें सबमिट करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए जो भी कैंडिडेट इसमें एम एस सी एम सी एम बी एम टेक में जो भी जिसका मार्स होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो है आपका मेडिकल होगा जो कि एस एस बी कमंडेंट कैंडिडेट और इसमें आपकी जो है एस एस बी भी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन एंड एप्प्लीकेबल टू देयर एंट्री तो मेडिकल जो होगा एस एस बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ, मेडिकल लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा वो एस एस बी के आधार पे ही मेरिट लिस्ट तैयार हुआ होगा जिसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेरिट लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा मेरिट लिस्ट के बाद आपका जिस भी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग लिया जाएगा उसके बाद प्रमोशन पीरियड भी जो होगा वो आपका प्रमोशन पीरियड भी यहाँ पे रहेगा प्रोमोशन पीरियड जो होगा वो आपका टू ईयर का प्रोमोशन पीरियड होगा और हाउ टू अप्लाई आप देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट ज्वाइन इंडिया नेवी जी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जाकर विजिट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पच्चीस फरवरी दो हज़ार बाईस से जब भी इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्रिटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद